क्वेश्चन नंबर 22 है, कहते हैं कि ए एंड बी ने कितना कितना लगाया है, 16,000 और 12,000 रुपए की साझेदारी में निवेश करा। तीन महीने के बाद कुछ चेंजेस हो रही है। कहते हैं कि ए ने क्या करा, 5,000 वापिस ले लिए, मतलब उसने निकलवा लिए, जबकि बी ने 5,000 अधिक निवेश करे, मतलब बी ने 5,000 और लगा दिए। तीन और महीनों के बाद, मतलब 3 महीने पहले बीत गए थे, उसके भी 3 महीने बाद, मतलब अगर बात करें शुरुआत से तो 6 महीने के बाद सी आ गया। कितने पे लेके, 21,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल होता है। तो क्या कहते हैं कि एक वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 है, तो बी का हिस्सा सी से अधिक है। तो मेरे को ये बताना है कि बी का सी से कितना हिस्सा ज्यादा है। बात करते हैं पहले, ए ने लगाया है 16,000 और बी ने लगाया है 12,000, लेकिन क्या था, 3 महीने के बाद कुछ चेंजेस हो रही है, मतलब ये वाला पैसा कितने कितने महीने चल रहा है, 3 महीने और इसका भी 3 महीने। ए ने क्या करा, 5,000 वापिस निकलवा लिए, 5,000 वापिस निकलवा लिए, 16,000 था, 5,000 निकलवा लिए, तो कितना रह गया उसके पास, 11,000, जबकि बी ने 5,000 और निवेश किए। अगर उसके पास पहले थे 12,000, तो 5,000 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 17,000। तो कहते हैं कि उसके भी 3 महीने के बाद सी आ गया, कितने लेके, 21,000 लेके, सी की अमाउंट लेते हैं 21,000। अब बात करते हैं टाइम, कहते हैं कि एक वर्ष की बात हो रही है, तो अगर ये वाला पैसा 3 महीने चला है, तो ये वाला पैसा कितने महीने चला होगा, 9, सेम इसका भी 9, लेकिन ये कब आया था, ये इसके भी 3 महीने के बाद, मतलब वही कि शुरुआत से 6 महीने के बाद आ रहा है, तो मतलब इसका पैसा कितना चल रहा है, 6 महीने चल रहा है। अभी वही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 48,000 कितना करना, 99,000, 17, 9, 4, 13 और 1, 14, इसका करो 36,000 और ये कितना होगा, 0,0,0,9,7,3,6,9,6,15, 0,0,0,9,8,1, इधर कितना आ जाएगा, 0,0,0,6 और 12। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, बाकी ये 7 के पेपर बजा रहे, 7, 2, 7, 1, 7, 2, 7, 7, ये गया 7, 1, 7, 8। इस फिर किस पे टेबल पे जा रहे हैं, 3 के 3, 7, 3, 9 और 3, 6, इसके बाद ये कट नहीं हो रहे हैं, 7, 9 और 6 बन गया। टोटल प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है हमें, 26,400 दे रखा है, सामने लिखो 26,400, कितना हो जाएगा, 9, 7, 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, तो 22 हिस्से आ गए 26,400 के, तो एक हिस्सा किसके निकलेगा, 26,400 22 से कर देंगे डिवाइड, 22 को 1 से करा 22, 26 में से 22 गए 4, 4, 4, 44 बन गया, 22 के टेबल पे 2 पे गया तो 0, 0, एक हिस्सा आ गया हमारा 1200 के इक्वल। तो उन्होंने ये बोला है कि बताओ बी का सी से, मतलब बी सी से कितना अधिक है वो बताना है, देखते हैं, बी वाला ये है, सी वाला ये है, कितने हिस्से ज्यादा है, बी सी से कितने हिस्से ज्यादा है, 3 हिस्से ना, तो 3 हिस्से से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3600। नहीं करना तो अलग अलग भी कर सकते हो, 1200 को पहले 9 से कर लो, 1200 को 6 से कर लो, फिर दोनों को माइनस कर लो, तब भी इतना ही आएगा, लेकिन हमें टाइम बचाना होता है तो पहले ही माइनस कर लो, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3600। ऑप्शन हमारा बनेगा सी ऑप्शन, 3600।